हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार दुबंसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीबीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो आपकी नाइन्थ की मैथ चल रही, आपका पहला नंबर सवाल है कह रहा कि आकृति 6.13 में, ये आपके बुक में ऐसा लिखा इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये आकृति यही है। अब क्या कह रहा ध्यान से सुनना, रेखाएँ ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मीन्स होता है इंटरसेप्ट करती हैं, यानी काटती हैं। रेखाएँ कौन कौन, ए बी एंड सी डी। तो बच्चा देखो, ये रेखा है ए बी और ये क्या है सी डी, ये बिंदु कहाँ पर काटती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। आगे क्या कहता है, कह रहा कि यदि ए ओ सी, ए ओ सी मीन्स ए ओ सी यानी ये कोण, ध्यान देना ए ओ सी इतने कोण की बात हो रही, और धन बी ओ ई, बी ओ ई ध्यान से सुनो, बी ओ ई यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण दोनों जुड़ के कितना है 70 है। कह रहा है इसमें इतना ही नहीं और भी कह रहा है, यदि बी ओ डी बराबर 40, तो बच्चा बी ओ डी का मतलब बी ओ डी यानी ये कोण कितना है 40, इतना दिया है। तो कह रहा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई कहाँ है, ये बी ओ ई इसको पूछ रहा है। आप कहोगे ये तो ऊपर दिया है, ये दिया नहीं है, ऊपर कह रहा है इन दोनों के योग करने पे 70 आता है, तो इसको निकालो उसमें से कितना है, ये पूछ रहा है, बाकी ए ओ सी कहीं नहीं पूछ रहा है। इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है सी ओ ई, तो बच्चा सी ओ ई यानी ये कोण, ये कोण नहीं पूछ रहा, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री बताया था, पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, जहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चा, ठीक है। तो पहले उसको निकालोगे तब प्रतिवर्ती कर पाओगे ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जान लो, अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का मतलब विलोम ज्ञात करना, उल्टा ज्ञात करना, तो पहले आप वो संख्या जानोगे तब विलोम करोगे ना। तो वैसे क्या करना है, इसका प्रतिवर्ती करना है, पहले आप इस कोण को निकालोगे तब इसका प्रतिवर्ती करोगे, है ना। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। देखो बच्चा, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, दो रेखाएँ हैं, एक ए बी है एक सी डी है, मुख्य रेखा दो है ना। तो लिखो यहाँ पे हल, लिखो लिखो रेखा ए बी पर, ध्यान से देखो लिखो रेखा ए बी पर। रेखा ए बी पर अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखेंगी, वो कैसे हैं क्या हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना अच्छे से समझना। जैसे देखो रेखा ए बी पे क्या है, ध्यान दो, ए ओ सी, हाँ बन रहा है ना भाई, ए बी पे ये बन रहा है ना, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तीन कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस ये कोण हो गया ए ओ सी, और इसमें एक कोण बन रहा है बी ओ ई, भाई बी ओ ई ये भी तो इसी रेखा के ऊपर है बन रहा है ना। यानी ये जो ए बी है इसके ऊपर देखो तीन कोण है कि नहीं भाई, एक कोण ये है, एक ये है, एक है, तीनों जोड़ लो बी ओ ई, ये तो वैसे भी दिया था, लेकिन इसमें एक और है, कौन है, सी ओ ई, लिखो धन सी ओ ई, ये बराबर 180 अंश। आप कहोगे 180 अंश कैसे आएगा, मैंने आपको रैखिक युग्म पढ़ाया है कि एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो रैखिक युग्म बनाते हैं, तो जब रैखिक युग्म बनाते हैं तो मतलब वो उनका मान 180 अंश होता है, ये आप जानते हो, ये जानते हो। चलो मामला हल हो गया भैया, ये देखो मान दिया है ना, यानी हमें इतने का मान कितना दिया है, 70 दिया है, 70 रख दो, कोण सी ओ ई इक्वल 180, यहाँ से निकालोगे एंगल सी ओ ई बराबर, तो 180 माइनस 70 यानी आपको आएगा कोण सी ओ ई बराबर 110 अंश, कितना आएगा बच्चा 110 यानी 110 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो 110 डिग्री। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता, हाँ चलो इतना बात पक्की हो गई, इसको नोट कर लो। इसमें पूछा क्या क्या था वो भी ध्यान देना, और वो चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझो ईमानदारी से, इतना हो गया। अब अगले आगे देखो, जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो पीछे करके देख लें, मैं आगे से हट गया हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप इनको उतार लो, हो गया इतना, हो गया चलो, नहीं देखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करो और उतार लो। यहाँ पर दो रेखाएँ थी, एक पर मैंने सारा मामला हल कर दिया, अब दूसरे पे करेंगे, हाँ लेकिन उसके पहले हमें कौन सा कोण मिला है, सी ओ ई मिला है ना,
तो हमें सी ओ ई प्रतिवर्ती निकालना था, प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो पहले हम इसका प्रतिवर्ती निकाल लेंगे, ये रेखा वाला बाद में करेंगे। अगला रुको भाई, हमें दो चीज़ निकालना है, तो पहले हम ये प्रतिवर्ती निकाल लेंगे और फिर इसको बाद में निकालेंगे। लिखो प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब होता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोलते हैं। हाँ, प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स, जैसे सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री पढ़े थे तो मैं प्रतिवर्ती बताया था, रिफ्लेक्स ना। बच्चा ये जान लो, किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप ऐसे लिखोगे प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर, पता है आपको क्या करोगे, उस कोण का मान जितना है, जैसे सी ओ ई का मान 110 अभी आया है, उसको 360 से घटा दोगे तो इसका जो प्रतिवर्ती है वो 250 अंश आएगा। कितना आएगा, 250 आएगा। आपका ये आंसर हो गया। याद रखना, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, उसको 360 से घटा दोगे, उसका प्रतिवर्ती आ जाएगा। ये अपने दिमाग में रख लो। तो ये आपका पहला आंसर आ गया जो इसमें दो चीज़ पूछा था। ये भी कोण निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे अगली रेखा पर। चलो अब लिखो रेखा सी डी पर, रेखा सी डी पर लिखो बच्चा, जल्दी लिखो रेखा सी डी पर। अब मुझे ये बताओ रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा है, जल्दी से सभी बच्चे मुझे क्लियर करके बताओ रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा है। बच्चा देखो, आप यहाँ पे ध्यान दो, तो रेखा सी डी पर क्या क्या बन रहा है, सी डी, सी डी। अब इसके इधर देखो, एक कोण ये बन रहा है 110 वाला, एक ये बन रहा है जो बेचारा अकेला है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, एक ये बन रहा है 40 वाला, बन रहे ना। तो भैया ये तीनों एक ही रेखा पे बन रहे हैं, तो रेखी क्यों बना रहे ना, लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं, हाँ बना रहे ना। तो लिखो क्या क्या होगा, लिखो कोण सी ओ ई प्लस सी ओ ई, यानी ये कोण 110 वाला, प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ डी, कौन सा बच्चा, बी ओ डी इक्वल 180। क्यों, नीचे लिख लेना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए। अब आपको सारे मान दिए गए हैं, सिर्फ बी ओ ई नहीं दिया गया है। इसका मान 110 रख लो, एंगल बी ओ ई और प्लस इसका मान 40 है, भैया ये 40 दिया है, इक्वल 180 कर लो, सबको जोड़ो घटाओ, एंगल बी ओ ई करोगे आपको पता है 180, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 40 भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हम एक एक को भेजेंगे, पहले 40 इधर ले आओ, माइनस 40 माइनस 110। ये चीज़ तो आप कर ही लोगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता दो बच्चा। देखो नीचे नहीं दिख रहा ना, इसके आगे बस केवल आपको घटा लेना है, आप जान जाओगे कितना आएगा। मैं ऊपर बता देता हूँ, अगर ऊपर दिख रहा है तो थोड़ा सा जगह की कमी है ना इस वजह से। देखो बच्चा यही आ रहा ना, इसको जोड़ोगे माइनस माइनस जुड़ जाता है, 110 में जब 40 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। तो बच्चा आप ये जान जाओ कि बी ओ ई इक्वल कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 ना, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भैया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसका मान 30 अंश आ गया, कितना आ गया 30 अंश आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो डाउट, इक्वल 30 अंश। यानी हम कह सकते हैं ये कोण 30 अंश का है, ये कोण कितना है 40 का पहले से दिया था, ये 110 का आ गया। हमसे सिर्फ दो पूछा गया था, हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, 30 मैंने निकाल दिया। सी ई ओ का प्रतिवर्ती निकालना था, रिफ्लेक्ट निकालना था ना, रिफ्लेक्स क्या बोलते ना, तो रिफ्लेक्स भी मैंने निकाल दिया और रियल कोण का मान भी निकाल दिया। ये हो गए, नोट कर लो। जो बच्चे नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखेंगे तो फिर से उनको मिल जाएगा जो भी चीज़ें इसमें से डिलीट हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ एक बात और बता दें, बच्चा लोग आप सभी ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों को पूरा क्लास करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, ऊपर भी मैंने एक नंबर दे दिया है, इस पर आप मैसेज करके क्लास को ले सकते हैं। इस तरह से आप एक दिन में एक एक घंटे दो दो घंटे पढ़ सकते हैं। अगर इसको आप नहीं लेंगे तो आप YouTube पे एक एक क्वेश्चन हर दिन देखेंगे, मतलब छोटे छोटे वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, वीडियो को अपने साथियों में शेयर करिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको एक साथ सारी क्लास चाहिए तो आप नंबर पर संपर्क करिए।